बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब की मायनाज तसनीफ। इंसान ने क्या सोचा। बाब दोम हिस्सा सोम। असर हाजिर के मादियीन की तहकीक। मजहब और साइंस। इस बिना पर अल्लामा इकबाल साइंस के मुतल्लिक लिखते हैं कि ये हकीकत के मुख्तलिफ गोशों के मुतालिया का नाम है, लेकिन इसमें नुक्स ये है कि हकीकत को तमामन व कमालन नहीं देख सकती। इसके मुख्तलिफ शोबे अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग मसरूफ़ मुशाहदात व तजर्बात रहते हैं, इसलिए वो हकीकत के मुतल्लिक कुल्ली इदराक हासिल नहीं कर सकते। बनावरी मजहब को साइंस से खौफ होने की कोई वजह नहीं। मजहब का मकसूद हकीकत का कुल्ली तजर्बा है, इसलिए इंसानी तजारब की दुनिया में उसे मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए, और जिसकी पोजीशन ये हो वो हकीकत का जजई मतालिया करने वाली साइंस से क्यों घबराए। दूसरी जगह लिखते हैं, साइंस के लिए नागुजीर है कि वो हकीकत के किसी एक रुख को अपने मतालिया के लिए मुंतखब कर ले और बाकी रुखों को छोड़ दे। लिहाजा अगर साइंस ये दावा करे कि हकीकत के जिन पहलुओं का उसने इंतखाब किया है वही पहलू हकीकी हैं, तो उसका ये दावा बातिल है। यानी साइंस फितरत का मुतालिया करती है और फितरत नेचर हकीकत ही के एक गोशे का नाम है। इसलिए अल्लामा इकबाल के नज़दीक ज़ात खुदाबंदी से नेचर का वही ताल्लुक है जो इंसानी ज़ात से उसके करेक्टर का ताल्लुक है। इसको कुरान ने फितरतल्लाह कहकर पुकारा है। जिस्म और नफ्स का ताल्लुक। यहां तक हमने देख लिया कि तहकीकात जदीदा की रूह से माती और रूहानी दुनियाओं का बाहमी ताल्लुक क्या है। यहीं से यह सवाल भी पैदा होता है कि जिस्म इंसानी और नफ्से इंसानी बॉडी एंड माइंड का बाहमी क्या ताल्लुक है। यह सवाल मुद्दत से मुफक्किरीन की तवज्जुहात का मरकज बने चला आ रहा है। खालिद मिकानी की नुक्ताए नजर से उसके मुतल्लिक बहुत बहस हो चुकी है। अब हम जदीद जाविया फिक्र की रोशनी में इसके मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। वाज़ेह है कि इस बाब में जिस्म और नफ्स और जिंदगी और मादा के बाहमी ताल्लुक और रद्द अमल दोनों के मुतल्लिक बहस सामने आ जाएगी। बर्गसान अपनी किताब तहकीकी इर्तका क्रिएटिव एवोल्यूशन के दूसरे बाब में जिंदगी और मादा के बाहमी ताल्लुक की निस्बत अपने मखसूस तशबीहाना अंदाज में बहस करता हुआ लिखता है कि अगर जिंदगी तोप के गोले की तरह एक मुतय्यन समत में हरकत करती तो मसला इर्तका को समझने में दुश्वारी ही ना होती, लेकिन जिंदगी तोप के गोले की तरह नहीं पड़ती, बम के गोले की तरह फटती है जिसके मुख्तलिफ टुकड़े फजा में बिखर जाते हैं, फिर इनमें हर टुकड़ा उसी तरह फटता है और यह सिलसिला लामुतनाही तौर पर आगे बढ़ता जाता है। बम के फटने में दो कुवतें काम करती हैं, एक तो बारूद की अंदरूनी कुवत जो मुंतशर होने के लिए आग बगोला हो रही है, और दूसरे उसके फौलादी खोल की सलाबत जो बारूद की राह में हायल है। जब तक ये फैलने और रोकने वाली दोनों कुवतें एक दूसरे के साथ न हो बम बम नहीं बन सकता। जिंदगी की कुवत नमूद बम का बारूद है और मादा की रेजिस्टेंस कुवत उस बम का फौलाद। वही खोल जिंदगी अपनी दाखली और खारजी कुवतों के जोर पर आगे बढ़ती है, लिहाजा इनमें बाहमी अदावत और मुखासिमत का ताल्लुक नहीं। बर्गसान के अपने अल्फाज में, जिंदगी के सामने पहला मरहला मादी मवाने पर गालब आना था, इसके लिए जिंदगी ने टकराव की शक्ल इख्तियार नहीं की बल्कि झुकाव की राह इख्तियार की। उसने अपना सर नीचे कर लिया और मादा के साथ ही मिल गई, और इस तरह किसी हद तक तबियाती और कीमियावी कुवतों के सामने झुक गई और एक हद तक मादा की राह पर ही चलना। उसका ये साथ चलना मादा से कुछ हासिल करके फिर अलग हो जाने के लिए था। क्रिएटिव एवोल्यूशन पेज 104। इसलिए जिंदगी जब किसी नामी जिस्म में मशहूत होती है तो उससे ये मकसूद होता है कि वो मादी दुनिया से कुछ अखज करना चाहती है, लेकिन इससे जहन को जिंदगी और मादा की सनवियत ड्यूलिज्म की तरफ
मुंतकिल नहीं होना चाहिए। सनवियत का तसव्वुर सही नहीं। सनवियत का तसव्वुर तो उसी वक्त खत्म हो गया जब हमने देख लिया कि माता की असल भी मादी नहीं बल्कि रूहानी है, और यही जिंदगी और शऊर की असल है। इस तसव्वुर की रूह से जिंदगी और मादा की बदीही और मरई मगायरत खत्म हो जाती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, कायनात के निकालने की तसव्वुर की रूह से या तो जिंदगी और शऊर को मादा ही की तखलीक मानना पड़ता है, जैसा कि 19वीं सदी तक के उलमा तबीयात मानते चले आए थे, और या जिंदगी और मादा की सनवियत का कायल होना पड़ता है, जैसा कि डेकार्ट ने किया। लेकिन जब यह मान लिया जाए कि मादा की असल रूहानी है, तो फिर ना जिंदगी मादा की पैदावार रहती है और ना ही जिंदगी और मादा में सनवियत का सवाल बाकी रहता है। इस तसव्वुर के पेश नजर हमारे दौर में प्रोफेसर व्हाइट हेड ने डेकार्ट के तसव्वुर सनवियत की तरदीद बड़ी शदोमत से की है। वो इस तसव्वुर को ऐसा जहर करार देता है जिसने बाद के फिक्र इंसानी को बुरी तरह मसमूम कर दिया है। व्हाइट हेड के नजदीक जिंदगी और मादा तो मुख्तलिफ चीजें नहीं बल्कि कायनात का अमली तरीकेकार है, एक ही कपड़े का ताना बाना है। इसी बिना पर वो अपनी काबिले कदर तसनीफ एडवेंचर ऑफ आइडियाज में लिखता है कि इस दुनिया में नफूस और अजसाम को किसी तरह अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ व्हाइट हेड उसे भी तस्लीम करता है कि रूह को इस तरह अलग भी किया जा सकता है कि उसकी हस्ती का मदार जिस्मानी निजाम पर न रहे, यानी जिंदगी निजाम जिस्मानी के मुंतशर हो जाने से खत्म नहीं हो जाती। मैक्स प्लैंक दुनियाए हकीकत और दुनियाए महसूस के बाहमी ताल्लुक की कैफियत को एक और पैराया में बयान करता है। वो लिखता है कि तबीयत के तमाम तसव्वुरात दुनियाए महसूस से अखज करदा होते हैं, लेकिन अकल हमें यह भी बताती है कि कवानीन फितरत इस जमीन पर जिंदगी के नमूद से पहले भी मौजूद थे और उसके बाद भी रहेंगे। इसलिए इस महसूस दुनिया के अलावा एक हकीकी दुनिया भी है जो इंसान के तसव्वुरात के ताबे नहीं। इस कदर इक्तबास पहले भी दिया जा चुका है। इसके बाद वो लिखता है कि इस महसूस दुनिया और हकीकी दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है जिसे तबीयत की दुनिया कहते हैं, और जिसके जिम्मे दो फर्ज आयद होते हैं। एक ये कि वो हकीकी दुनिया का भी इदराक करे, और दूसरे ये कि वो महसूस दुनिया के तबई अफाल को हत्तुल इम्कान सादा तरीक से बयान करे। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो तबीयत की दुनिया के दाखली नज़्म व रब्त से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिसकी वजह से वो दुनियाए हकीकत से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लेते हैं। लेकिन हर एक ये चाहता है कि इस रिश्ता का सुराग मिल जाए जो दुनियाए हकीकत और महसूस दुनिया को मरबूत रखता है। जिस जमाने में तबीयत की दुनिया कुछ मुस्तहकम सी शक्ल में सामने आती है, तो ये यकीन पैदा हो जाता है कि दुनियाए हकीकत माकूल रैशनल है। लेकिन जब उसकी शक्ल मुबहम और गैर मुतय्यन सी सामने आती है, तो लोग महसूसात की दुनिया के पीछे लग जाते हैं। इन्हीं को पॉजिटिविस्ट यानी मैक्स प्लैंक के नजदीक जूं-जूं दुनियाए तबीयत का इल्म वाजे और यकीनी होता जाएगा, हकीकी दुनिया की माकूलियत नमाया होती चली जाएगी। इसलिए दुनियाए तबीयत और हकीकी दुनिया दो मुतखासम दुनियाएं नहीं हैं, बल्कि तबीयत की दुनिया हकीकी दुनिया ही का परतौ है। बाकी रहा यह कि नफ्से इंसानी किस तरह इंसानी जिस्म की मशीनरी को अपने फैसलों को ब्रुएकार लाने का जरिया बनाता है, इसके मुतलक इस वक्त तक की तहकीकात कुछ नहीं बता सकती। चार्ल्स शीरिंग के अल्फाज में दिल और दिमाग का बाहमी ताल्लुक क्या है, इसके मुतलक सिर्फ यही कहा जा सकता है कि यह अकीदा ला यनहल है, बल्कि यहां तक के हनूज वो बुनियाद भी मालूम नहीं हो सकी जहां से इस सवाल के हल की इब्तदा की जा सके। द ब्रेन एंड इट्स मैकेनिज्म। दूसरी तरफ तबई तब्दीलियां किस तरह नफसियाती तजारब पैदा करती हैं, इसे ना कोई शख्स महसूस कर सकता है और ना ही हीताए तसव्वुर में ला सकता है। लॉर्ड बिलफोर इन द फाउंडेशन ऑफ बिलीफ, इसी लॉर्ड बिलफोर के अल्फाज ने जिस फाली या इनफाली तजारब से इंसानी शऊर मामूर होता है,
नफ्से इंसानी का करैक्टर उनसे बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसे तो फकत रूह सोल होना चाहिए जो तबई खसायस व तजारब के मजमुआ का नाम नहीं हो सकता, ना ही रूह सिर्फ जौहर का नाम है। इसकी एक इनफरादियत होती है जो यकता भी होती है और नाकाबले बयान भी। थीज़म एंड थॉट, वही रूह जिसके मुतालिक बर्गसान अफलातून की हम नवाई में कहता है कि रूह एक ऐसी चीज का नाम है जो मुंतशर डिकम्पोज नहीं हो सकती, इसलिए कि ये मरकब नहीं बसीत सिंपल है, ये इनक्रप्टेबल है, इसलिए कि ये गैर मुनकसम इंडिविजिबल है और अपनी जात के एतबार से नाकाबले फना इमॉर्टल है। द टू सोर्सेज ऑफ रिलीजन एंड मॉरेलिटी पेज 251। हमने इस वक्त तक मादा या तबई जिस्म से मावरा जिस चीज से बहस की है इसे शऊर कॉन्शियसनेस या माइंड से ताबीर किया है, लेकिन सतूर बाला में उसे नफ्स या रूह के नाम से भी पुकारा गया है। असल यह है कि इंसान के अंदर जो चीज तबई जिस्म से मावरा है इसे मुख्तलिफ इस्तलाहात से ताबीर किया जाता है, मसलन इंसानी नफ्स सेल्फ या अना या एगो की इंफरादियत इंडिविजुअलिटी या जात पर्सनैलिटी नाम मुख्तलिफ हैं, बात एक ही है। हमारे जमाने में इंसानी जात के मुतालिक इतना कुछ लिखा जा चुका है या लिखा जा रहा है जितना कुछ 19वीं सदी में मिकाने की नजरिया हयात के मुतालिक भी नहीं लिखा गया होगा। हम पहले लिख चुके हैं कि इंसानी जिस्म हर आन बदलता रहता है, हत्ता के कुछ अरसा के बाद सबका जिस्म की जगह एक बिल्कुल नया जिस्म वजूद में आ जाता है और यह सिलसिला तगैर व तबद्दुल मसलसल जारी रहता है। लेकिन इसके बावजूद हमें एक ऐसी चीज भी है जो इन तब्दीलियों से मुतासिर नहीं होती, वो इंसान की मैं है, मैं गैर मुतबद्दल रहती है। हकीकत यह है कि तब्दीली चेंज के मानी ये कि जिस शय में तगैर वाक़ होता है उसकी पहली हालत ही अक्सर मादूम हो जाती है, यानी इट सीजेस टू एग्जिस्ट, और उसी के बाद वो शय असर नो एक नई हालत में पैदा होती है। लेकिन इंसानी जात की खसूसियत बर्गसान के अल्फाज में यह है कि वी चेंज विदाउट सीजिंग, हम में तगैर आता है मादूम हुए बगैर। इसलिए बारदेव निकोलस बारदेव बर्गसान की आम नवाई में कहता है कि पर्सनैलिटी इज चेंज लेसनेस इन चेंज, इंसानी जात तगैरात के हजूम में अदम तगैर का नाम है। इंसानी जात अपना मुस्तकिल वजूद रखती है और किसी कुल का जुज्व नहीं होती। इस बाब में बारदेव लिखता है एक जात का ताल्लुक दूसरी जात से ख्वा वो जात जाते खुदावंदी ही क्यों ना हो, जुज्व और कुल का ताल्लुक नहीं होता। हर जात अपना मुस्तकिल वजूद रखती है और किसी दूसरी जात में मदगम नहीं हो सकती। जुज्व का कुल के साथ ताल्लुक रियाजी का ताल्लुक है, जिस तरह जिस्म के किसी उज्व का ताल्लुक जिस्म के साथ हयातियाती ताल्लुक है, किसी जात का दूसरी जात के साथ ताल्लुक इस किस्म का नहीं होता। इसके बाद बारदेव लिखता है कि इंसानी जात की इनफरादियत खुद उस फर्द से बुलंद दर्जे की होती है। जहां तक खुदा का ताल्लुक है, बारदेव लिखता है कि खुदा और इंसान का ताल्लुक सबब और मसबब का ताल्लुक नहीं, यह भी नहीं कि एक खास है दूसरा आम, न सही उनका ताल्लुक मकसद और जरिए का है और ना ही गुलाम और आका का। हम इस ताल्लुक की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकते। इस किस्म का ताल्लुक ना तो आफाकी कायनात में किसी जगह नजर आता है और ना ही इंसानी जिंदगी में। खुदा बेशक मकसूद है, लेकिन इंसानी जात इस मकसद के हुसूल का जरिया नहीं। इल्मे इलाहियात का यह अकीदा के खुदा ने इंसान को अपनी हमदुस्ताइश के लिए पैदा किया है इंसानियत की जिल्लत है नहीं, यह खुद खुदा के भी शाया निशान नहीं। इस हकीकत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो अकीदा इंसान के लिए वजह जिल्लत हो वो खुदा के लिए भी बायस जिल्लत होता है। लिहाजा इंसानी जात का खुदा से ताल्लुक मकसद और जरिए नहीं। हर जात मकसूद बिज़ात होती है, वो अपना मकसद आप होती है।
अलबत्ता यह हकीकत है कि इंसानी जात ना अपनी नशो नमा हासिल कर सकती है और ना ही तकमील, जब तक मावराए इंसान इकदार मौजूद ना हो, यानी जब तक खुदा मौजूद ना हो। मीकाने की तसव्वुर हयात के मुतल्लिक बहस करता हुआ बारदेव लिखता है, जो चीज इंसान में निकालने की तौर पर काम करती है, जिसकी हरकत महज मशीन की है, उसका इंसानी जात से कुछ ताल्लुक नहीं। खुदा का अक्स और निकालने की अक्स बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं। मौत के मुतालिक बारदेव लिखता है कि मौत इंसान का खात्मा नहीं करती, वो सिर्फ खारजी दुनिया के वजूद का खात्मा करती है। प्रोफेसर अरविंद शोल्डिंगर ने एक छोटी सी लेकिन बड़ी अहम किताब लिखी है, व्हाट इज लाइफ। वो इस किताब के खात्मा पर लिखता है, मैं किसे कहते हैं। अगर आप मैं का तजजिया करें तो आप देखेंगे कि यह इंसानी तजारब और हाफजा से कुछ ज्यादा का नाम है। यह वो पर्दा है जिस पर इंसानी हाफजा और तजुर्बा के नकूश जमा होते हैं। अगर आप अपनी दाखिली दुनिया का गौर से मुतालिया करेंगे तो आप पर यह हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी कि जिसे आप मैं कहते हैं वो इस बुनियाद का नाम है जिस पर तजर्बे और हाफजे की इमारत उठती है। अगर कोई माहरे अमल तनवीन ऐसा भी कर दे कि तुम्हारी तमाम सबका यादाश्त यकसर जहन से महव हो जाए, फिर भी तुम देखोगे कि इससे तुम्हारी मैं की मौत वाके नहीं हो जाएगी। लिहाजा इंसानी जात की हस्ती कभी जायज नहीं होती, ना ही ये कभी जायज होगी। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, बरगुसान इससे भी आगे जाता है और कहता है कि हाफिजा मादा की तखलीक है ही नहीं। इंसानी जात के इल्म के मुतलक जोड़ लिखता है कि इंसान का हकीकी इल्म उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के इल्म का मजमुआ नहीं, ख्वाह ये इल्म कितना ही जामे और सही क्यों ना हो। जो इंसान के मुतलक सही इल्म के मानी है, इंसान का तमामन इल्म और इस किस्म का इल्म इसी सूरत में मुमकिन है जबकि उसकी जात का इल्म हो, इसलिए कि इंसानी जात ही से तो इंसान की तकमील होती है। इंसानी जात इंसान के तमाम अज्जा को अपने अंदर समो लेती है और उनके मजमुआ से कुछ अलग होती है। इंसानी जात का इल्म साइंस के अहाते से बाहर की चीज है, इसलिए नहीं कि साइंस इंसानी जात का तजजिया करके उसके अलग अलग अज्जा का इल्म हासिल करना चाहती है, और ऐसा करना नामुमकिन है। इल्म तजजिया नफ्स के माहरीन ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में इंसानी जात फिसल कर उनके हाथों से साफ निकल जाती है, बल्कि इसलिए कि इस कोशिश के माहिसल को इल्म कहा ही नहीं जा सकता। फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। नफ्स इंसानी के मुतालिक मजीद बहस आइंदा बाब फरदौसे गुमगश्ता में मिलेगी। उन्होंने आने पेश नजर में दो सवाल जेरे बहस थे। अव्वल ये कि मादी दुनिया का गैर मादी दुनिया से क्या ताल्लुक है, और दोयम ये कि क्या तहकीकात जदीदा कवानीन फितरत को गैर मुतबद्दिल करार देती हैं या इससे कुछ अलग पोजीशन इख्तियार करती हैं। पहले सवाल के मुतालिक गुज़श्ता सफहात में बहस हो चुकी है, अब दूसरा सवाल हमारे सामने आता है। इस सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि कवानीन फितरत लॉ ऑफ नेचर कहते किसे हैं। इस उन्वान पर व्हाइटहेड ने अपनी किताब एडवेंचर ऑफ आइडियाज के सातवें बाब में बड़ी दिलचस्प बहस की है, कवानीन फितरत से क्या मुराद है, जिसका मुलखस ज़ैल की सतूर में पेश किया जाता है। इस मुफक्कर के नजदीक आजकल कवानीन फितरत के मुतल्लिक चार नजरियात मुतदावल हैं। नंबर एक, लॉज ऑफ इमिनेंस। इस नजरिया से मफहूम यह है कि कायनात में कोई शय अपनी जाती खसूसियत के बना पर कायम नहीं, बल्कि हर शय अपनी हस्ती के लिए दूसरी अशिया की मोहताज है, लिहाजा तमाम अशिया में बाहमी रबत है। अशिया की माहियत समझने से मफहूम यह है कि हम उस बुनियादी राबिता को समझ लें जिससे ये अशिया बाहमदगर मनूत हैं। इसी राबता को कानून फितरत कहते हैं। लिहाजा उलमाए साइंस का काम यह नहीं कि वो फितरत के अफाल के मुतल्लिक अपने मुशाहिदात कलमबंद करते जाएं, बल्कि उनका फरीजा है कि वो इस रब्तो रोल की तलाश करें। नंबर दो,
इम्पोज्ड लॉज। इस नजरिया का मुलखस यह है कि हर शय एक मुनफर्द खसूसियत रखती है और उसकी हस्ती इसी खसूसियत से कायम है, लिहाजा अपनी हस्ती के लिए कोई शय किसी दूसरी शय की मोहताज नहीं। लेकिन इन तमाम अशिया पर खारिज से कानून आयद कर दिया गया है कि वो बाहमद अगर रब्त व जब्त रखें। इस खारिज से आयद करता कानून का नाम कानून फितरत है। न्यूटन और डेकार्ट वगैरह के नजदीक ये खारजी कानून खुदा का आयद करता है, या यूं समझिए कि खुद खुदा है। इलाहियात में इस तस्वर को डेइज्म से ताबीर किया जाता है, यानी गॉड एज अ पर्सन का तस्वर जो कायनात से बाहर बैठा अपने कवानीन की रूह से कायनात की मशीनरी चला रहा है। नंबर 3, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। नजरिया से मकसूद यह है कि हमारा काम यह है कि हम देखते जाएं कि कायनात में क्या कुछ हो रहा है, और जिस तरह कोई वाकया होता चला जाए उसके मुतालिक अपने मुशाहिदात कलमबंद करते जाएं। इन मुशाहिदात की रूह से जो नताइज मुरतब हों वही कवानीन फितरत हैं। ये मिकाने की कवानीन का नजरिया है और इसे साइंस की दुनिया में पॉजिटिविज्म कहा जाता है। कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन, ये तरह हकीकत अलग नजरिया नहीं बल्कि हुकमाए यूनान और मिस्र के इत्तेबा में एक किस्म का तकलीदी मसलक है। इसलिए बहस सिर्फ अवलुज जिक्र 3 नजरियों तक ही महदूद हो जाती है। मंदरजा बाला नजरियों में तीसरा नजरिया उलमाए साइंस के नजदीक सबसे ज्यादा काबिल कबूल रहा है, और उसी की बना पर साइंस के मिकाने की कवानीन मरतब होते हैं। पहला नजरिया भी एक हद तक मुशाहिदाती नजरिया ही है, लेकिन वो मुशाहिदा के बाद नताइज के लिए माबाद तबीयात मेटाफिजिक्स की दुनिया में चला जाता है। नजरिया 2 की रूह से यह तस्लीम करना पड़ता है कि फितरत के कवानीन खारिज से आयद शुदा हैं, इसलिए वो गैर मुतबद्दल हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि फितरत के कवानीन की असल क्या है, बल्कि सवाल यह है कि इन कवानीन के मुतालिक जो कुछ साइंस इस वक्त तक दरियाफ्त कर चुकी है वो हतमी और यकीनी है, या इसमें तब्दीलियां होती जा रही हैं। अगर इनमें तब्दीलियां होती जा रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस के मुक्तशेफात यकीन के दर्जे तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा इन्हीं की बुनियादों पर जिंदगी के मसाइल को हल करना चाहिए। इस बाब में सबसे नुमाया सवाल जबरियत डिटरमिनिज्म या अदम जबरियत डिटरमिनिज्म, यानी मादा के अफाल मुतय्यन हैं या गैर मुतय्यन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मिकाने की तस्वीर कायनात की रूह से ये तमाम अफाल इल्लत और मालूल की जंजीरों में जकड़े हुए फिलहाल मुतय्यन हैं, लेकिन अब 20वीं सदी में तबीयात से मुतल्लक मजीद तजारबो मुशाहिदात ने तस्वीर में नमाया तब्दीली पैदा कर दी है। यह तब्दीली इल्म हयात बायोलॉजी और तबीयात फिजिक्स दोनों में हुई है। इल्म हयात में डार्विन का नजरिया इर्तका एक हकीकत साबिता की तरह तस्लीम होता चला रहा था। इस नजरिया की रूह से कायनात में अमले इर्तका लगे बंदे मिकाने की उसूलों के मुताबिक जारी है। ये उसूल इल्लत और मालूल की कड़ियों से इस तरह बंधे हैं कि इनमें कहीं कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसी मिकानिकियत के पेश नजर प्रोफेसर टैंडल ने सन 1874 ईस्वी में ब्रिटिश एसोसिएशन के इजलास में कहा था कि साइंस की रूह से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अवलीन हयोला कायनात के एटम से लेकर ब्रिटिश एसोसिएशन के इजलास तक के तमाम इर्तकाई सिलसिला का बयाक वक्त जायजा ले सकें। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने बकाल इल असलाह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नजरिया के मातहत इस मिकाने की तस्वीर इर्तका को मजीद तकवीयत पहुंचाई। लेकिन अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि सन 1907 ईस्वी में कैलॉग वर्नन कैलॉग ने अपनी किताब डार्विनिज्म टुडे में बताया कि खुद डार्विनिज्म के मातहत करीब एक दर्जन मुख्तलिफ मुकादबे फिकर इस वक्त तक मार्ज वजूद में आ चुके थे, जिनमें खुद इस नजरिया के मुतालिक इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। इसके कुछ अरसा बाद
वेजमैन ऑगस्ट वेजमैन ने अपनी तहकीकात की रोशनी में डार्विन के बुनियादी नजरिया माहौल की तरदीद की। अजामबाद ड्रैश हैंस ड्रैश ने इस सारी की सारी इबारत को मुनहदम कर दिया। इस असना में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैटिसन ने मेंटल की तहकीकात को अपनी तनकीद के साथ शाया किया, जिनकी रूह से डार्विन का बुनियादी नजरिया नाकाबले कबूल करार दिया गया। अल मुख्तसर इस 50 साल में नजरिया इर्तका के बुनियादी असूलों के मुतल्लिक इस कदर मुख्तलिफ और मुतजाद सवरात पेश हो चुके हैं कि बैटिसन के अल्फाज में नजरिया इर्तका अपने मध्यम से खाका के एतबार से तो वाजे है और वाकयात भी उसकी तायद करते हैं, लेकिन इस नजरिया की बुनियादी असल जिसका ताल्लुक अनवा की इब्तदा और नेचर से है यकसर पर्दाए बातन में है। यहां तक तो फिर भी तहकीकात का रुख मिकानी की असूलों की तरफ जा रहा था, लेकिन दौरे हाजिर की तहकीकात ने इस बुनियादी असूल को भी जड़ से हिला दिया। चुनाचे इन तहकीकात की रूह से यह हकीकत सामने आ रही है कि अनवा स्पीसीज में बाज औकात इस तरह तब्दीलियां वाक हो जाती हैं कि मुताबिकत माहौल एडॉप्टेशन टू एनवायरमेंट का असूल उनकी कोई तौजीह बयान नहीं कर सकता। इस किस्म की हंगामी तब्दीलियों को जदीद इर्तका की इस्तलाह में म्यूटेशन कहा जाता है। यह वही चीज है जिसे इल्म नबातात में सपोर्ट्स की इस्तलाह से तबीर किया जाता है, यानी एक ही किस्म के बीजों से बाज औकात बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के फूल पैदा हो जाते हैं। इस इंकिशाफ का सेहरा प्रोफेसर मॉर्गन लॉयड मॉर्गन के सर है। नजरिया फिजाई इर्तका, जिसके नजरिया फिजाई इर्तका एमरजेंट एवोल्यूशन ने इर्तकाई साइंस में एक इनकलाब पैदा कर दिया है। इस नजरिया की रूह से बाज़ औकात एक नौ इल्लत मालूल की कई कड़ियां फांद कर दूसरी नौ में तब्दील हो जाती है और इर्तका का मिकाने की कानून मुंह तकता रह जाता है। यह किस तरह होता है इसके मुतल्लिक प्रोफेसर मॉर्गन लिखता है, अगर यह पूछा जाए कि तुम जिस चीज को फिजाई एमरजेंट कहते हो वो बिलाकर है क्या, तो उसका मुख्तसर जवाब फकत इस कदर है कि यह एक नई किस्म का राबता होता है, और अगर यह पूछा जाए कि यह रवाबत किस एतबार से नए होते हैं तो उसका जवाब इतना है कि इनकी खसूसियात के मुतल्लिक उनके जहूर पजीर होने से पहले कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एमर्जेंट एवोल्यूशन डर्न और डॉब्जिंस्की की जिस किताब हेरिडिटी रेस एंड सोसाइटी का जिक्र पहले आ चुका है, इसमें ये साइंसदान इस अहम मसला पर बहस करते हैं कि एक फर्द जिस कदर खसूसियात का हामिल होता है इसमें कितना कुछ उसे इसलाफ से विरासत में मिलता है। इस जमन में उनके सामने ये सवाल आता है कि एक ही माँ बाप के बच्चों में खसूसियात का इस कदर इख्तलाफात क्यों होता है। वो इसके जवाब में कहते हैं, इल्म विरासत का तालब इल्म आपसे कहेगा कि विरासत के ये इख्तलाफात म्यूटेशन की वजह से पैदा होते हैं। जब आप उसे कुरेद कर पूछेंगे कि म्यूटेशन होता क्या है तो वो सिर्फ इतना बता सकेगा कि यह विरासत में एक हंगामी तब्दीली का नाम है। वो इस पर इसरार करता जाएगा कि विरासत के इन खसूसियात में इख्तलाफ का बायस म्यूटेशन है, लेकिन जब आप इससे कहेंगे कि यह चीज पैदा किस तरह से होती है तो उसे इसका इतराफ करना पड़ेगा कि इसे तो वो भी नहीं जानता कि इस हंगामी तब्दीली का सबब क्या है, लेकिन यह वाकया है कि ऐसा होता जरूर है। यह तब्दीली बस पर्दा या गैब से रूनमा हो जाती है। जिस तरह इल्मुल हयात में ये इतफाकी हवादस रूनमा होते हैं, इसी तरह इल्मुल नफ्स की रूह से भी इस किस्म के नागहानी हवादस होते हैं जो इन तमाम कवानीनों जवाबत के खिलाफ होते हैं जिनके मातहत आम इंसानी सीरत की तामीर होती है। हमने बिहेवियरिज्म के उनवान में देखा था कि इल्मुल नफ्स जदीद की रूह से इंसानी बच्चों की सीरत और किरदार यकसर मजमुआ होती है। इसके मरवसी असरात इब्तदाई माहौल तालीम तरबियत का या फिर उन अगदूतों ग्लैंड्स का जो उसे तबई तौर पर मतवारिस मिलते हैं, लेकिन एक जीनियस की पैदाइश इन तमाम उसूलों के खिलाफ अमल में आती है। वो विरासत माहौल तालीम तरबियत गर्जे के तमाम खारजी असरात के अलर रेगम
एक मुख्तलिफ सीरत का पैकर और जुदागाना किरदार का हामिल होता है। प्रोफेसर एल होगबिन इस बात में रकम तराज है। 30 साल के गहरे तजर्बा ने इस अमर का बैन सबूत अहम पहुंचा दिया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैर मखलूत नस्ल के इंसानों के अंदर इस किस्म के अफराद पैदा हो जाते हैं जिनके खसास अपने आबाओ अजदाद से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। द नेचर ऑफ लिविंग मैटर इन्हीं इंकशाफात के पेश नजर प्रोफेसर टेलर को कहना पड़ा कि इन तमाम असबाब का जिनसे कोई शय वजूद पजीर होती है मुहासिबा कर लेने के बाद भी ये इम्कान बाकी रह जाता है कि यह शय अपने नशवो नुमा के बाद ऐसी खसूसियात का मजहर बन जाए जो इन अनासर में कहीं भी ना हो जिनसे उस शय ने तरकीब पाई हो। यह खसूसियत ऐसी होती है कि इन तमाम अनासर की खसूसियात का इल्म हो जाने के बाद भी इस निराली खसूसियात के मतलब पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। एवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज नेचुरलिज्म इन जदीद इंकशाफात की रूह से मादियीन ने अब अपनी कदीम इस्तलाह मादियत मैटीरियलिज्म को छोड़कर एक नई इस्तलाह फितरियत नेचुरलिज्म वजह की है। इस नजरिया की रूह से तस्लीम किया जाता है कि तमाम कायनात अफाल का सरचश्मा नेचर है जिसकी ना इब्तदा है ना इंतहा। नेचर सिर्फ एटम्स का मजमुआ नहीं बल्कि एक तख्लीकी अमल है और इस तख्लीकी अमल में ऐसी ऐसी नई खसूसियात का जहूर होता रहता है जिनके मशहूर होने से पहले उनके मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या होंगी। इन नई खसूसियात को एमरजेंट्स कहते हैं। इस बिना पर सबसे पहली एमरजेंट खुद जिंदगी है और उसके बाद दूसरा एमरजेंट नफस या शऊर। इस ग्रोह में सबसे ज्यादा नुमाया हस्ती प्रोफेसर अलेक्जेंडर की है जिसने अपने मजमुआ खुतबात स्पेस टाइम एंड डाइटी में बताया है कि जब कोई शय अपने इर्तका की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उस सतह के इर्तका से एक नई फिजाई सतह एमरजेंट लेवल उभरती है। इस हकीकत का नाम अलेक्जेंडर की इस्तलाह में डीआईटी है। वो उसे खुदा से अलग करार देता है। उसके नजदीक खुदा इस कायनात का नाम है जिसमें डाइटी अमल पैरा है। अब आइए खुद तबीयत की तरफ हम देख चुके हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में नजरिया इल्लतो मालूल कैजुअलिटी को ऐसा गैर समझा जाता था कि उलमाए तबीयत के नजदीक खुदा भी चाहे तो सिलसिला इल्लतो मालूल में तब्दीली नहीं पैदा कर सकता। लेकिन अब नजरिया कदरिया क्वांटम थ्योरी की रूह से साबित किया जा रहा है कि कायनात में गैर मुतबद्दल और जामिद कानून इल्लतो मालूल की जगह गैर तायुन इनडिटर्मिनेसी का कानून नाफिजुल अमल है। आइजनबर्ग वार्नर आइजनबर्ग के असूल गैर तायुन की रूह से एक बरकिया इलेक्ट्रॉन मकाम पोजीशन भी रखता है और रफ्तार वेलोसिटी भी, लेकिन इन दोनों का बयाकवक्त इल्म नहीं हो सकता। एक बरकिया का मकाम जिस कदर यकीन के साथ मुतय्यन कर लिया जाए उसी कदर उसकी रफ्तार गैर मुतय्यन हो जाती है। कानून इल्लतो मालूल गैर मुतय्यन है। इसी तरह जिस कदर यकीन के साथ इसकी रफ्तार मुतय्यन कर ली जाए उसकी पोजीशन गैर मुतय्यन हो जाती है। लिहाजा साइंस के लिए यह बताना नामुमकिन है कि एक बरकिया चलांग कर किधर जाएगा। इसी बिना पर उलमाए तबीयात अब इस नतीजा पर पहुंच रहे हैं कि फिक्र इंसानी में कानून इल्लतो मालूल एक लाजमी अंसर नहीं रहा। तफसील के लिए देखिए मैक्स प्लैंक की किताब कैजुअलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर। खुद आइजनबर्ग लिखता है कि मकादीर की मैकेनिक्स की रूह से यह मुतय्यन हो चुका है कि इल्लतो मालूल का कानून बातिल है। इस नए नजरिया ने फलसफा और इखलाकियात को बड़ी हद तक मुतासिर किया है इसलिए कि पुराने नजरिया इल्लतो मालूल की रूह से इंसान मजबूर महज तस्लीम किया जाता था, लेकिन अब इस नजरिया की रूह से इंसान को साहिब इख्तियार इरादा तस्लीम करने के लिए तबई दलील बहम पहुंच गई है। चुनांचे डॉक्टर जेम्स मर्फी
मैक्स प्लैंक की किताब वेयर इज साइंस गोइंग के दीपाचा में लिखता है, नजरिया कदरिया जो असरात फलसफा पर मरतब कर सकता है उसके मतलब बहुत कुछ लिखा जा चुका है। बाज उलमाए तबियात ने इस अमर का हतमी ऐलान कर दिया है कि इस नजरिया ने साइंस की तहकीकात की दुनिया में पुराने उसूल इल्लत व मालूल को यकसर खारिज कर दिया है। हर्बर्ट सैमुअल इस बाब में लिखता है, अब तबियात इल्लत व मालूल के मुतय्यन कानून की पाबंद नहीं रही, कानून ने तय्यन अब रुखसत हो गया है और इसमें शुबा की गुंजाइश नहीं कि वो अब वापस नहीं आ सकता। इसलिए इंसानी इख्तियार व इरादा के मतलब साइंस को जो एतराज था उसे अब साइंस वापस लेती है। कॉन्टेम्परेरी रिव्यू, जनवरी सन 1931। सर जेम्स जीन अपनी किताब मिस्टीरियस यूनिवर्स में लिखता है, हमारे इख्तियार व इरादा के अकीदा के खिलाफ अब साइंस के पास कोई नाकाबले तरदीद दलील नहीं रही। एडिंगटन कहता है, अब जो शख्स जबर का अकीदा रखता है उसे समझ लेना चाहिए कि यह अकीदा उसके अपने ख्यालात की पैदावार है। उसे यह नहीं समझना चाहिए कि वो एक ऐसा अकीदा रख रहा है जिसकी ताईद साइंस के तजर्बाती दलाइल से हो सकती है। नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड बाई एडिंगटन, यह है तबियात के वो जदीद इंकशाफात जिनके पेश नजर मैक्स प्लैंक कवानीन फितरत के मतलब इस नतीजा पर पहुंचा है कि हमें अब फर्ज कर लेने का कोई हक नहीं कि कोई खास कवानीन फितरत मौजूद हैं, या ये कि अगर कोई खास कवानीन इस वक्त तक मौजूद हैं तो वो आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे। ये बात बिल्कुल नाकाबले फहम है कि अगर किसी सुहानी सुबह फितरत किसी ऐसे खिलाफ तवक्को वाकया को जहूर में ले आए जिससे हम सब हके बक्के रह जाए, इस सूरत में हम बेबस होंगे कि उसके खिलाफ लबकशाई कर सकें, क्या उसका नतीजा कुछ ही क्यों ना हो। ऐसे हालात में साइंस के लिए इसके सिवा चारा का ना होगा कि वो अपनी तही दामनी का ऐलान कर दे। द यूनिवर्स इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पेज 58। इस मुकाम तक हमने देख लिया कि साइंस की जदीद तहकीकात की रूह से इल्लत व मालूल की वो तमाम अमारत जिसकी बुनियादों पर मिकानी की तस्वर हयात कायम था किस तरह मुनहदम हो चुकी है और उसकी जगह अब अदम तयन का कानून लॉ ऑफ इनडिटर्मिनेसी ले चुकी है। हमारे पेश नजर मौजू के लिए यह सिलसिला गुफ्तगू यहां खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब जो बात छिड़ गई है तो बेहतर मालूम होता है कि फिजिक्स की दुनिया में तहकीकात जदीदा ने जो और नमाया तब्दीलियां पैदा की हैं उनका भी सरसरी सा जिक्र कर दिया जाए ताकि यह हकीकत वाज तौर पर सामने आ जाए कि रमूज़े कायनात के मुतल्लिक हमारी साइंस अनूज तजर्बाती मराहिल से गुजर रही है, यकीन की हद तक नहीं पहुंची। जमानो मकान, मादा के बाद फिजिक्स का अहम मौजूद जमानो मकान टाइम एंड स्पेस का मसला है। इस बात में 19वीं सदी तक न्यूटन के नजरिया को गैर मुतबद्दल समझा जाता था जिसकी रूह से जमान और मकान को तमाम कायनात में यकसां और मुतलिक यूनिफॉर्म एंड एब्सोल्यूट करार दिया जाता था, लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन ने इस नजरिया को बातिल करार दे दिया और उसकी जगह यह बताया कि मकान और जमान की हैसियत मुशाहिदा करने वाले की पोजीशन की हैसियत से अजाफी रिलेटिव होती है। प्रोफेसर एच डब्ल्यू कर के अल्फाज में इस हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है कि आइंस्टाइन का जदीद नजरिया इजाफियत फलसफा के बुनियादी असूलों को मुतासिर करता है। अब यह उसूल करार पाया है कि हर मुशाहिदा करने वाला अपनी जात में मुतलिक है, ऐसी कोई कायनात ही नहीं जो तमाम मुशाहिदा करने वालों के लिए मुश्तरका हो, हर मुशाहिदा करने वाले की कायनात अपनी अपनी है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पेज 21-23। दुनियाए फिक्र में नजरिया अजाफियत ने किस कदर मकबूलियत हासिल कर ली है इसका अंदाजा इससे लगाइए कि करीब करीब हर शोबा इल्म इससे मुतासिर हो चुका है। वेस्टमार्क ने इस पर इखलाकियत की बुनियाद रख दी है। एथिकल रिलेटिविटी, इसकी ताईद बर्ट्रंड रसल ने अपनी फिलॉसफी में की है। वॉल्टर लैंपमैन ने अपने प्रीफेस टू मॉरल्स में उसे नमाया जगह दी है, हत्ता के मिक्किफर्ड इसे मजहब के मैदान तक भी ले आया है।
सी एफ राइज ऑफ मॉडर्न रिलीजन आइडियाज नजरिया अजाफियत की रूह से इतना ही तस्लीम नहीं किया गया कि मकान और जमान की हैसियत अजाफी होती है, बल्कि यह भी कि मकान और जमान अलग अलग चीजें नहीं हैं। इससे पहले फासलों का तसव्वुर सिर्फ आबाद सलासा थ्री डायमेंशनल से किया जाता था। मिनकोस्की ने साबित किया कि चूंकि तूल हरकत के साथ बदलता जाता है, इसलिए हर एक पैमाइश मेजरमेंट में मकानी फासला स्पेस डिस्टेंस के साथ जमान के वक्फा टाइम इंटरवल को भी मलहूज रखना चाहिए। इसलिए अब इबाद तीन नहीं बल्कि चार हैं। इसी तस्वर की रूह से अब इबाद का नाम स्पेस टाइम कॉन्टिनम करार पा गया। इससे भी आगे बढ़िए 19वीं सदी तक न्यूटन के नजरियाए कशिश शक्ल ग्रेविटी को एक अटल हकीकत तसव्वुर किया जाता था। उसकी बुनियाद अक्लिदस की मसाहत पर थी। आइंस्टाइन ने अपने नजरिया की बुनियाद रीमैन वगैरह की मसाहत पर रखी और इससे साबित कर दिया कि मादा की यह खसूसियत कि वो एक सीधी समत में हरकत किया जाता है तावक्ते के उसे रोक ना दिया जाए। नजरियाए कशिश शक्ल का अबताल जमानो मकान के असरात से महफूज नहीं, इसलिए अजसाम की हरकत मुख्तलिफ स्पेस फॉर्म्स और टाइम फॉर्म्स में मुख्तलिफ होती है। इस नजरिया की रूह से न्यूटन का नजरिया एक कशिश शक्ल बातिल करार पा गया। हम सिर्फ इन चंद मसालों तक इक्तफा करते हैं। इससे मकसूद ये बताना था कि तहकीकात जदीदा की रूह से साइंस की जजियात नहीं बल्कि उसके बुनियादी असूल तक बदलते जा रहे हैं। बकौल व्हाइट हेड, साइंस के फिक्र की कदीम बुनियादें अब नाकाबले फहम होती जा रही हैं। जमान मकान मादा ईथर बर्क मकानिकियत साफ नामियाती निजाम तरतीब अज्जा कालब अफाल सब पर नजरसानी की जरूरत है। द साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसी बिना पर प्रोफेसर मजकूर आगे चलकर लिखता है कि साइंस तो इलाहियात से भी ज्यादा काबिले तगैर तबदल है। आज साइंस का कोई आलम गैलीलियो के अकायद या न्यूटन के मुतकदात को बिला मशरूत तस्लीम करने पर आमादा नहीं, हत्ता कि वो खुद अपने 10 साल पहले के मुतकदात को भी अला हाल ही तस्लीम करने पर तैयार नहीं। आइंस्टाइन के अल्फाज में साइंस का कानून हरफे आखिर नहीं करार पा सकता, इसलिए कि जूं जूं साइंस तरक्की करती जाती है वो तसव्वुरात जिनकी बुनियादों पर वो कवानीन मबनी होते हैं नामुकम्मल और नाकाफी साबित होते चले जाते हैं। यही वजह है कि मैक के अल्फाज में अब उलमाए साइंस अपने नजरियात को इस हतम यकीन के साथ पेश नहीं करते जिस तरह शुरू शुरू में मेकाने की तसव्वुर हयात के हामिलीन पेश किया करते थे। द रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म, इसी बिना पर केनेथ वॉकर ने कहा है कि साइंस के नजरियात फिक्र इंसानी के लिए सस्ताने के मकामात हैं। जब किसी नई हकीकत के इंकशाफ से मालूम हो कि फलान नजरिया इससे मुताबिकत नहीं रखता, उसे फौरन छोड़ देना चाहिए। मीनिंग एंड पर्पज और आज के नजरियों के मुतालिक ब्रिफाल्ट की तनकीद काबिले गौर है। वो लिखता है कि हमारे तबियाती और हयातियाती नजरिए आने वाली नस्लों को इसी तरह अजूबा दिखाई देंगे जिस तरह आज उस जमाने के नजरिए मुझे का अंगेज दिखाई देते हैं जब साइंस अपने अहद तफूलियत में थी। द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री पेज 197। इस बात में हम ये देख चुके हैं कि साइंस की दुनिया में 19वीं सदी तक जो बुनियादी उसूल बतौर मुसलमत तस्लीम होते चले आ रहे थे, बाद के इंकशाफात ने उन्हें किस तरह बदल दिया और उनकी जगह ऐसे उसूलों ने ले ली जिनसे इंसानी फिक्र कायनात और खुद इंसान के मुतलक एक जुदागाना जाविया से सोचने लगा। इस वक्त तक की बहस के नतीजे ये हैं। हासले मबहस, नंबर एक, मैकेनिकी तस्वर हयात की रूह से मादा को मादी शक्ल का मुस्तकिल जौहर समझा जाता था, लेकिन तहकीकात जदीदा की रूह से मादा रोशनी की लहरें मरबूत हवादिस या मुंजमित ख्यालात ख्याल किया जाने लगा है और इस्तलाही फर्क को छोड़कर अब इस हकीकत के एतराफ पर सब मुत्तफिक हैं कि मादा की इब्तदा मादी कायनात से नहीं हुई,
उसकी असल रूहानी दुनिया से मुतालिक है, जो मादा की बजाय मुतलिक तवानाई हरकत महज या रूह खालत से मामूर है। इस दुनिया का नाम गैब की दुनिया या गैर मरई आलम करार दिया जा रहा है। नंबर दो, इस गैब की दुनिया का इलम हमारे हवास के जरिए मुमकिन नहीं। नंबर तीन, जिंदगी मादा की पैदावार नहीं बल्कि उसका ताल्लुक भी इसी गैब की दुनिया से है। नंबर चार, शऊर जिंदगी के इर्तका से वजूद में नहीं आया बल्कि उसका ताल्लुक भी उसी गैर मरई आलम से है। नंबर पांच, मिकाने की तसव्वुर हयात की रूह से यह माना जाता था कि फितरत के कवानीन इल्लत व मालूल की जामत कड़ियों में जकड़े हुए हैं। यह कवानीन अंधी फितरत की अंधी कुव्वत के मातहत एक मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं। इनमें न तगैर व तबदल हो सकता है न हक को अजाफा, लेकिन अब तहकीकात जदीदा की रूह से फिक्र इंसानी यह तस्लीम कर रहा है कि खुद तबीयत की दुनिया में भी कवानीन फितरत मुतय्यन नहीं है बल्कि हवादस इस तरह रूनमा होते हैं कि उनके जहूर में आने से पहले उनके मुतल्लिक कभी हतम यकीन से कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नंबर छह, साइंस की रूह से पैदाशुदा तसव्वुरात कोई मुस्तकिल हैसियत इख्तियार नहीं कर सके बल्कि उनमें आए दिन तब्दीलियां पैदा होती रहती हैं। ना ही अब उलमाए साइंस का यह दावा है कि उनके तसव्वुरात मुतलिक और कौल फैसल की हैसियत इख्तियार कर सकते हैं। नंबर सात, बनाबरी साइंस अब मुतरिफ है कि वो कायनात के हकीकत का इलम बहम नहीं पहुंचा सकती। जब उसके तजारब के नतायज आखिरी और यकीनी सूरत इख्तियार कर लेंगे उस वक्त भी ज्यादा से ज्यादा हकीकत के एक पहलू के मुतलक जजई तौर पर इलम बहम पहुंचा सकेगी। हकीकत का कुल्ली इदराक उसके बस की बात नहीं।